आज रामगढ़ताल फिल्म शूटिंग का और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ। रामगढ़ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया, पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। रामगढ़ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं। सिटी के अंदर हर मोहल्ले में अच्छी सड़क बने, वहां पे जल निकासी की व्यवस्था हो। पहले आधा गोरखपुर शहर गुड़दवा नाले के नाते चौक हो जाता था, आज नाला भी बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत चौड़ा नाला बन रहा है, दोनों तरफ सिविल लाइन भी जा रही है, दोनों तरफ सड़क भी बन रही है, स्ट्रीट लाइट भी होगी। जहां पहले लोग झांकने नहीं जाते थे, जहां पहले शहर का कचरा इकट्ठा होता था, आज वहां पे लोग सेल्फी लेने के लिए जाएंगे जिस दिन वो नाला वहां पे तैयार हो जाएगा। आप दुनिया को दिखाएंगे जैसे रामगढ़ ताल था ना, आज से 7 साल पहले क्या था, गंदगी और अपराध का गढ़ था। आज रामगढ़ ताल फिल्म शूटिंग का और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ, लोग परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। पहले रामगढ़ ताल का नाम लेने पर लोग डरते थे, कोई वीआईपी आता था गोरखपुर में और सर्किट हाउस में ठहराना होता था तो हम पहले व्यवस्था करते थे वहां पीएसी है कि नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है कि नहीं है। और आज रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया, पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है, बहुत सुंदर मकान बनाए। आप में से कितने लोग हैं उनके घर में, खिलाए क्या वहां पे कुछ, अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को, अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए और वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है। तो देखो ये इतनी सुविधा आपको बैठे बैठे मिल गई। तो रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं, ये है सुविधा। ऐसे गुड़दोहा नाले के किनारे भी जो लोग बसे होंगे, पहले नरकीय जीवन था, अब उनको लगेगा कि वास्तव में धरती का स्वर्ग कहीं पे है, तो और अब नाला नहीं रहेगा बल्कि नदी के रूप में सामने आ रहा है, भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप। ट्रैफिक की व्यवस्था, अधिक से अधिक खुलापन, लोगों को बेहतरीन सुविधा, ये कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। और इसमें जनसहभागिता जितनी हो सकती है, वृक्षारोपण, इस बार जब गुड़दवा नाला पूरा तैयार हो जाएगा, जब दोनों तरफ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए, हरा भरा देखना चाहिए।